हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है 10th ऑफ सितंबर और अभी हो रहा है सुबह के 5:30। हम निकल पड़े हैं वाइज़ेक के यरेडा बीच को एक्सप्लोर करने। सुबह का टाइम है, रोड भी एकदम खाली है और ठंडी हवा में बाइक राइड का मज़ा लेते हुए हम लोग। अभी तो आप देख ही पा रहे हैं, बाजी मार्केट एकदम खुला है और हम सब जगह सिर्फ पालक ही पालक देख पा रहे हैं। ये ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया का सबसे बड़ा नेवल बेस है वाइज़ेक, और इसीलिए काफ़ी जगह रेस्ट्रिक्टेड है फोटोज़ और वीडियोस के लिए। इसीलिए हम पूरा वीडियो तो नहीं ले पाए, बट कुछ कुछ ज़रूर ले पाए हैं। सुबह सुबह सबसे बेस्ट होता है सनराइज, और वही देखने हम निकले हैं आज। पूरा रास्ता नेवल बेस के बीच में से होते हुए निकलता है, जिसकी वजह से वहां पे वीडियोस लेना अलाउड नहीं था। और अभी हम एक पहाड़ी इलाके से गुजर रहे हैं, जैसे हेयरपिन रोड होते हैं वैसे ही ये रोड थे, और बहुत ही सुंदर व्यू लग रहा था देखते हुए। दोनों साइड जंगल और बीच में से निकलते हुए रोड, इस पे बाइक राइड करने का मजा ही कुछ और है। यहाँ पे हमें बहुत से लोग एक्सरसाइज करते हुए, जॉगिंग करते हुए, वॉकिंग करते हुए भी दिखाई दिए। और आप देख ही पा रहे होंगे सनराइज ऑलमोस्ट हो ही चुका है। तो हम यरेडा बीच तक तो नहीं पहुंच पाए सनराइज देखने, बट सनराइज रास्ते में ही हो गया। लेकिन इतना सुंदर लग रहा था सुबह सुबह सनराइज देखने को, बाइक राइड पे बहुत मजा आ रहा था। और इस व्यू की तो मैं क्या ही बात करूँ, एक साइड पे डेंस फॉरेस्ट और एक साइड पे बीच, और उसमें से गुजरती एक छोटी सी रोड। ये रोड इतना ज्यादा स्टीप था, वीडियो में शायद इतना समझ में नहीं आ रहा होगा, बट बाइक फर्स्ट गियर से ऊपर गई ही नहीं।
अब हम एंटर हुए हैं यारडा विलेज में। ये एक छोटा सा विलेज था यारडा बीच के जस्ट पहले। बहुत ही सुंदर गांव था, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे थे। मोस्टली यहाँ पे सब तेलुगु ही बोलते हैं, बट कोई कोई लोग हैं जिनको हिंदी भी थोड़ी बहुत समझ में आती है। वाइज़ैग में सनराइज़ बहुत ही जल्दी हो जाता है। इतना सुबह उठ के जाने के बावजूद भी हम टाइम पे सनराइज़ देखने तो नहीं पहुंच पाए बीच पे, बट इतना अमेजिंग व्यू देख के हम लोग का दिल गार्डन गार्डन हो गया था सुबह सुबह सच में। फाइनली हम लोग ऑलमोस्ट अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच ही गए। वेलकम टू यारडा बीच। बहुत ही एम्प्टी होता है ये बीच, ज़्यादा गंदी नहीं होती है। हम पहले भी एक बार गए हैं लॉकडाउन के पहले, तभी भी काफ़ी ऐसे ही व्यू रहता था और बहुत ही साफ रहते हैं यहाँ के। पाइसा के एक्चुअली सभी बीच बहुत साफ है। फाइनली 1 आवर की जर्नी 30 किलोमीटर्स दूर हम इतना सुंदर दृश्य देखने पहुँच ही गए। तेरे नशे के Thank you.
एक ऐसी जगह है जहाँ पे माउंटेन इज दिस साइड एंड देन बीच इज दिस साइड एंड देन यू हैव द क्लाउड्स एंड देन यू हैव द सन मॉर्निंग राइज। और ये हमारे सब कुछ ब्यूटीफुल पिक्चर्स हमने वहाँ पे क्लिक की है। और आपने यहाँ तक अगर वीडियो देख ही लिया है तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। फिर मिलते हैं इसी किसी बढ़िया से वीडियो पे।